नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब इनकम टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं है। इनकम टैक्स में एक ऐसा बदलाव किया गया है कि टैक्स चोरी करने वालों को अब बर्बाद कर देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। एक ऐसा सेक्शन लाया गया है जिसके जरिए इतनी पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करेगा कि वो अपना सब कुछ बेच देगा तो भी वह पेनल्टी पे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति अब इनकम टैक्स चोरी करेगा उसकी खैर नहीं है। वह बदलाव क्या है, कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए अगर आप इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोज़ कितनी पसंद आती है और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट 2020 के जरिए इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन इंसर्ट करने की बात की जा रही है और वो सेक्शन है 271AA(D) और यह बात करता है पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री एटसेट्रा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी फॉल्स एंट्री की है, कोई भी फेक एंट्री की है और उसके जरिए आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो ऐसे में 271AA(D) के तहत आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। यहाँ पर कहा गया विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस लाइन को अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। उससे आगे लिखा गया इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द पर्सन देयर इज ए फॉल्स एंट्री, कोई झूठी एंट्री की गई है या फिर एन ओमिशन ऑफ एनी एंट्री विच इज रेलिवेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन टू इवेड टैक्स लाइबिलिटी, या फिर कोई ऐसी एंट्री जो की जानी थी लेकिन उसको जानबूझकर नहीं किया गया, वो एंट्री नहीं डाली गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और वह टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए रेलिवेंट थी और उसके जरिए आपने क्या की, टैक्स की चोरी की, आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को इवेड किया, छुपाया। द असेसिंग ऑफिसर मे डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल पे बाय वे ऑफ ए पेनल्टी ए सम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री। जितनी रुपए की आपने वो फॉल्स एंट्री की है, वो फेक एंट्री की है, उतने ही रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, मिस्टर एक्स है और ये एक बिजनेस करते हैं, इनका प्रॉफिट था 10 करोड़ रुपए। इन्होंने इस 10 करोड़ रुपए पर टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए फेक इनवॉइस, झूठा बिल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया। मान लीजिए वो फेक इनवॉइस था 6 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पर अब इनका जो प्रॉफिट आ जाता है 4 करोड़ रुपए, इस पर उन्होंने टैक्स पे कर दिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 6 करोड़ रुपए का झूठा इनवॉइस डालने के बाद इस पर टैक्स की चोरी की गई, तो यहाँ पर कहा गया कि यह फेक इनवॉइस, यह फेक एंट्री अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने की है तो अब आपको कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, जितने रुपए का यह फेक इनवॉइस है, जितने रुपए की यह फेक एंट्री है, दैट मीन्स 6 करोड़ रुपए की आपको यहाँ पर पेनल्टी पे करनी होगी। पहली बात तो यह है कि सिर्फ पेनल्टी 6 करोड़ रुपए की है, उसके अलावा आपसे टैक्स अलग से वसूल किया जाएगा, उसके अलावा
आपसे इंटरेस्ट अलग से वसूल किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा, अगर आप 30% का भी टैक्स सेव करते हैं तो यहाँ पर 1.8 करोड़ रुपए का आपसे टैक्स वसूला जाएगा इस 6 करोड़ रुपए पर जो आपने फेक इनवॉइस डाला था, जिस पर आपने टैक्स की चोरी की थी, प्लस इस पर आपसे इंटरेस्ट वसूला जाएगा। तो मान लीजिए ये अमाउंट 8 करोड़ रुपए आ जाती है विद इंटरेस्ट, तो आप सोच कर देखिए 10 करोड़ रुपए के एक्चुअल प्रॉफिट में से आपके 8 करोड़ रुपए तो ये चले जाएंगे। उसके अलावा आपने जो 4 करोड़ रुपए पर टैक्स दिया होगा, अगर मैं एवरेज 30% भी लेता हूँ तो 1.2 करोड़ रुपीज़ का आपने उस टाइम टैक्स पे किया होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 9.2 करोड़ रुपीज़ आपके आपकी जेब से चले जाएंगे आउट ऑफ 10 करोड़। तो यहाँ पर टैक्स चोरी करने की गलती ना करें, साफ साफ कह दिया गया है। अगर कोई भी झूठी एंट्री मिल गई या फिर कोई ऐसी एंट्री जो की जानी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर की जानी थी लेकिन आपने नहीं की जानबूझकर टैक्स चोरी करने के लिए, इन दोनों ही केसेस में अगर आपने फेक एंट्री की है तो जितने रुपए की आपने फेक एंट्री की है उतनी पेनल्टी लगेगी, और अगर मान लो आपने एंट्री नहीं की है जानबूझकर तो जितने रुपए की एंट्री आपने नहीं की है उतने रुपए की पेनल्टी आपको लगेगी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया था पहली लाइन में विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब यह है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपके ऊपर और कोई कार्रवाई की जानी है, आपके ऊपर और कोई पेनल्टी लगाई जानी है, आपके ऊपर और कोई एक्शन लिया जाना है, वो एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा, उस एक्शन पर इस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर किसी और सेक्शन के तहत आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है तो आप सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी अमाउंट आपको यहाँ पर पेनल्टी के रूप में पे करनी पड़ेगी। तो 271AA(d) को इंसर्ट किया गया है और साफ साफ कहा गया है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, दैट मीन्स अगर इस एक्ट में आपके ऊपर और कोई एक्शन लिया जाता है और कोई कार्रवाई की जाती है तो वो कार्रवाई की जा सकती है, उसको यहाँ पर इस सेक्शन की वजह से बंद नहीं किया जाएगा। If during any proceeding under this act it is found that in the books of accounts maintained by any person there is a false entry or an omission of any entry which is relevant for computation of total income of such person to evade tax liability, the assessing officer may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to the aggregate amount of such false or omitted entry. उसके बाद यहाँ पर false entry को define भी किया गया। यहाँ पर कहा गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स, दैट मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यूज और इंटेंशन टू यूज फोर्ज्ड और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट सच एज फॉल्स इनवॉइस और इन जनरल ए फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस, कोई भी ऐसा फॉल्स इनवॉइस फेक इनवॉइस जिसके बेस पर आप टैक्स की चोरी करना चाह रहे थे तो वह क्या माना जाएगा, फॉल्स एंट्री मानी जाएगी। उसके अलावा बी पॉइंट में कहा गया इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सप्लाईज और बोथ इशूड बाय द पर्सन और एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, दैट मीन्स एक्चुअल में तो वो सप्लाई ली ही नहीं गई, वो परचेज की ही नहीं गई, वो खर्चा किया ही नहीं गया, लेकिन यहां पर सिर्फ उसका एक झूठा इनवॉइस बना दिया गया। और मान लीजिए उस इनवॉइस को आप डॉक्यूमेंट्री प्रूव भी कर देते हैं कि वो ठीक है लेकिन एक्चुअल में कोई सप्लाई हुई नहीं है, यह प्रूव हो जाता है तो वो क्या माना जाएगा, फॉल्स एंट्री मानी जाएगी। दैट मींस मान लीजिए ए और एक बी, ए जो है वो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है और बी भी जो है जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। ए बी को एक इनवॉइस इशू कर देता है, यहां पर सिर्फ इनवॉइस इशू किया गया, कोई भी गुड्स की सप्लाई हुई ही नहीं। ए अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए इस इनवॉइस को शो करते हैं और बी के जीएसटीआर 2A में यह रिफ्लेक्ट होता है। तो यहां पर भले ही जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A के जरिए प्रूव किया जा रहा है कि सप्लाई हुई है लेकिन
अगर डिपार्टमेंट को यह प्रूव हो जाता है कि एक्चुअल में तो सप्लाई हुई नहीं, यह एक फॉल्स एंट्री है, तो ऐसे में सेक्शन 271(8)(d) के तहत आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके अलावा सी पॉइंट में कहा गया, इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज और बोथ टू और फ्रॉम ए पर्सन हु डजंट एग्जिस्ट। दैट मीन्स मान लीजिए मिस्टर एक्स को जो प्रॉफिट हो रहा था उस पर टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स को बचाने के लिए जो 6 करोड़ रुपए का फेक इनवॉइस डाला गया वो मिस्टर जेड के नाम से डाल दिया गया। दैट मीन्स कि मिस्टर जेड से कोई परचेज की गई है या फिर मिस्टर जेड को किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट की गई है। तो यहाँ पर मिस्टर जेड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मिस्टर जेड है ही नहीं, तो ऐसे में कोई ऐसा इनवॉइस जो किसी ऐसे व्यक्ति से दिखाया गया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यह भी एक फॉल्स एंट्री माना जाएगा। तो यहाँ पर 271(8)(d) को प्रपोज कर दिया गया है, और फाइनेंस एक्ट अगर पास हो जाता है और उसमें यह सेक्शन कंटिन्यू किया जाता है तो उसके बाद टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं है, इतनी तो वो टैक्स की चोरी भी नहीं कर पाएंगे जितना उनको अपनी जेब से देना पड़ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सेक्शन 271(8)(d) के तहत किन किन व्यक्तियों पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।